भले ही फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज सुनने में एक समान लगते हो पर इनके मतलब बहुत अलग होते हैं। फंडामेंटल राइट्स यानी वो चीजें जिसकी इजाजत आपको अपनी कंट्री के लॉ तरफ से मिली है और जो हर नागरिक का हक है, वही फंडामेंटल ड्यूटीज वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से एक नागरिक होने के नाते दी जाती है, जिसके तहत आप इन ड्यूटीज को फॉलो करके एक अच्छे नागरिक बनते हैं। फंडामेंटल राइट्स आपको अपने हक के लिए दिए जाते हैं, आपको बताया जाता है कि आपके पास क्या राइट्स हैं। वही फंडामेंटल ड्यूटीज अक्सर आपकी दूसरों की तरफ और अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फंडामेंटल राइट्स को 1947 से 1949 के बीच इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। वही फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वरण सिंह के सजेशन पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट साल 1976 में ऐड किया गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जो देश के प्रति प्यार, नेचर का प्रोटेक्शन, सिटीजन में भाईचारे जैसे टॉपिक्स के बारे में है, और 6 फंडामेंटल राइट्स है जो फ्रीडम, इक्वालिटी और रिलीजन जैसे टॉपिक्स के बारे में है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें।